हम लोग प्यास से तड़प रहे हैं और इस तड़पन को अरे अरे और अंत में हम इस छोटे से झरने से अपनी प्यास बुझाएंगे। जंगली दिमाग लगाते हुए इस पानी को पीने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये एकदम बिल्कुल सही तरीका है पीने का। और देख सकते हैं पाइप बना ली है और इसी से पानी को पीने का कोशिश कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये कथन आज बिल्कुल एकदम सही देखने को मिल रहा है। अगर ये देखिए हमारे जाने माने गुमनाम कलाकार के ब्लॉग मेरा भी मिस्टर सिपूजन सर गलती से आ गए हैं भूखी खोमे और इनको जोरों का प्यास लग गया है तो पानी के तलाश में ये भटकते हुए। पानी अभी तक हम लोग को मिला नहीं है लेकिन कहते हैं ना कि ब्लॉग का ब्लॉग बनाना। तो अभी रोहतास की धरती एक ब्लॉगर आपने देखा होगा वो मेरे ही ब्लॉग का ब्लॉग बना रहे हैं। मतलब कि हम लोग प्यास से तड़प रहे हैं और इस तड़पन को अरे अरे गला पूरा सूख गया है। अगर अभी आधे घंटे के अंदर अगर पानी नहीं मिला तो आप कह सकते हैं कि हम बेहोश हो सकते हैं। मेरे साथी एक देखिए वो पानी की तलाश में थे लेकिन अभी मेरे कहने के बाद वो थकने का एक्टिंग करने लगे हैं। इससे पहले वो पानी ढूंढ नहीं रहे थे। मैंने उनको साफ निर्देश दिया था कि भाई पानी ढूंढो लेकिन देख सकते हैं अभी भाई साहब क्या किया आपने भाई क्या भाई अब आइए ऊपर को कहते हैं प्यास से जान जा रही है और इनको अपना ब्लॉग का सीजा हुआ है। मतलब आपको दिखाते हैं किस तरह से मेरे चलिए चलिए पानी की तलाश करते हैं। ये देख सकते हैं चलिए 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 देखिए इनको प्यास लगा है कि नहीं लगा है फिर भी देखिए ये कितना मेहनत कर रहे पानी के लिए और ये चढ़ गए। वो तो चढ़ गए हम कैसे चढ़े जी हमारी जो खोज है वो अरे मैं कैसे आऊं जी खत्म हो गई है क्योंकि यहाँ पे देखो चुल्लू भर पानी है। हाँ पानी है और वाओ क्या पानी मिल गया। चुल्लू भर पानी का इस्तेमाल अब कैसे करेंगे शायद वो कहावत वाली चुल्लू भर पानी का इस्तेमाल ना कर ले लेकिन मैं इनको सख्त निर्देश देकर रखा हूँ कि भाई चुल्लू भर पानी है लेकिन आपको डूब कर मरना नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल पीने के लिए करना है। और भाई क्या करने वाले हैं इसका आप तो इसके आगे जाने वाले हैं। अच्छा और ज्यादा पानी की खोज में जब यहाँ इतना पानी है तो इनको पानी नहीं मिला देखिए पानी की तलाश में फिर से आगे बढ़ गए हैं। और ये मार्च का महीना है कभी इसी नदी में हम लोग नहाया करते थे और ये पानी अब बिल्कुल खत्म हो गया है और थोड़ा सा पानी तो है तो आइए देखते हैं ये पानी कैसा है। और ये प्रदीप जी गुमनाम कलाकार के जाने माने हीरो प्रदीप जी चलिए पानी पीजिए पीजिए। ये वही कुंड है जिसमें हम लोग तैरा करते थे और आज इसकी स्थिति आप देख सकते हैं मेंढक कतरने तभी पानी नहीं है। हम इसके आगे भी जाएंगे आगे हम पानी की तलाश करेंगे बहुत जोर की प्यास लगी है अभी हमको। आप ऊपर तक जाइए पानी जरूर मिलेगा पानी तो मिलेगा लेकिन लग नहीं रहा है कि मिलेगा। तो क्या आप भी प्यास से हैं? नहीं हम पानी पी गए। अच्छा पानी पी लिए आप लोग जी इधर आइए पानी मिल गया। आप लोग पानी पी लिए हैं? अच्छा चलिए मिल गया। और कृष्णा जी आप पानी पी लिए हैं? देखिए अभी हम पानी पिए नहीं लेकिन नहाने की इच्छा है। देखिए अब इनको देखिए ये हमारे ब्लॉग सब प्यासे हैं और ये नहाने के लिए पानी खोज रहे हैं चल रहे हैं पानी की तलाश में। रुक जाइएगा ना जा भाई नीचे ना भाई कूदा कूदा नहीं नहीं पानी में स्नान नहीं करना पीने के लिए पानी बचा के रखिए। फिल्टर हो जाता है पानी नहीं नहीं स्नान मत करिए पानी दस वहाँ ये पानी का खजाना मिल चुका है फ्रेंड्स। और हमारे जो ब्लॉगर साहब थे वो प्यासे नहीं रहेंगे साफ पानी कुआं पानी देख सकते हैं कुंड में पानी मिल गया है। अब हम आगे नहीं जाएंगे रुको 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 अरे वहाँ है पानी क्यों पी रहे हैं कुआं पानी है तो नीचे आगे चंद्र की वजह नहा पत्थर पे बैठ के चुपचाप मग है ना पानी तुरंत सफा हो जाते पानी अगर मिलता है पानी की दिक्कत ना खाली ऊपर जा रहे हैं पानी की तलाश में
पानी है, आइए आइए पानी पीते हैं, आइए पानी मिल गया हम लोग को। ये देखिए वाह क्या पानी है, इस पानी को गंदा ना किया जाए। देखो तो वहाँ पानी है, हाँ हाँ यहाँ तो और अच्छा पानी है जी, यहाँ पर पानी अच्छा है, इससे ऊपर पानी मिलेगा प्रदीप, वहाँ झरना आ रहा है, झरना में ना पानी पीजिए। चलिए चलिए, अरे बढ़िया है झरना है। ए चंदन जी, अरे नहाइएगा तो यही पानी, नीचे पानी लोग पीता है, मत नहाइए। फिल्टर हो जाता है, उतना सोचेगा आदमी तक तो नहीं, तो नीचे नहा रहा नहीं ना। मिल गया, क्या मिल गया जी? हाँ पीजिए, यहीं पर पीजिए। और अंत में हम इस छोटे से झरने से अपनी प्यास बुझाएंगे। दिमाग लगाते हैं, तो पता ही लगते हैं। रुकिए, अभी मैं एक छोटा सा ये करने वाला हूँ, आप देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। ये मैंने लिया एक पत्ता और हाँ प्रदीप जी देखिए, ये जुगाड़ू लाल है, जुगाड़ कर रहे हैं, देखिए पानी कैसे पीते हैं। और इन्होंने पत्ता से पाइप बना दिया, और ये देखिए जंगली दिमाग लगाते हुए पानी को पीने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये एकदम बिल्कुल सही तरीका है पीने का, और देख सकते हैं पाइप बना ली है और इसी से पानी को पीने का कोशिश कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कथन आज बिल्कुल एकदम सही देखने को मिल रहा है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहलाती है, देख सकते हैं हमारे प्रदीप जी ने अपनी प्यास बुझा दी है, और अभी मेरा भी गला सूख रहा है, अभी मैं ठीक कर अपने गले को तर करूंगा। और आपने मेरे ब्लॉग का ब्लॉग बना लिया है, तो चलिए कह सकते हैं कि इस तरह से एक ब्लॉग ब्लॉगर का ब्लॉग बनाना काफी मजेदार रहा होगा। हाँ भाई, हो तो आपने देखा ये भूखी खो का जगह है, यहाँ पर प्रदीप जी प्यासे हुए हैं, और हमारे सिपूजन सर वो भी प्यासे हैं, पता नहीं वो पानी पियेंगे या नहीं पियेंगे, भविष्य बताएगा। अभी अभी मैं प्यास से हाँ कहाँ गुफा मिला जी, अभी मैं प्यास से तड़प रहा था और भूखी खो में आया हूँ, और तो आपको भूख लग गया। मार्च मतलब खत्म होने वाला है, और ये पानी अभी मिल जाना, इस समय भूखी को में पानी का मिलना किसी भगवान से मिलने के बराबर ही कहा जा सकता है, क्योंकि तपिश है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और जब चारों तरफ पानी सूख चुके हैं, जलस्तर काफी नीचे जा चुका है, उसमें ऐसे जगह पे पहाड़ी जगह पे पानी का मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो अगर कभी आप इस क्षेत्र में गलती से आ जाते हैं और आपको पानी नहीं मिलता, थोड़ा कष्ट कीजिए, थोड़ा ऊपर चढ़िए, वहाँ आपको पानी देखने को मिलेगा। हाँ जी क्या है इधर, भूखी खो में आके भूख लग गया जी, अब क्या करें, कितना मुश्किल से प्यास बुझा है। अच्छा देखते हैं शायद कुछ खाने को भी मिल जाए। खाने को यहाँ खाने को क्या मिलेगा, देखिए और देखिए ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे जाने माने कलाकार, गुमनाम कलाकार, इनका चैनल है, आप इनके चैनल को प्लीज जा करके देखें, बहुत ही मजेदार और हमारे एरिया का बहुत सारा जानकारी आपको देंगे। और देखिए और बहुत सारे लोग जो है पानी के तलाश में इधर आ रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते होंगे गमछी लिए हुए आदमी खड़े हैं सब लोग। काफी मजेदार रहा ये सफर, कह सकते हैं कि रोमांच से भरा हुआ है ये भूखी खो का सफर। अब मार्च के महीने में आप भूखी खो आए, लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि हम लोग मार्च के महीने में जब बिल्कुल हर जगह सूखा सूखा सा पड़ा है, भूखी को में आए हैं और देख ही सकते हैं हम लोग पानी की तलाश में थे और लगभग हम लोगों ने पानी को खोज लिया और अपनी प्यास को बुझाया है। तो एक बार तो आप आ ही सकते हैं, मई के महीना में भी आइए और उस समय पानी। अच्छा ये बताइए तो लोग भूखी को क्यों आएंगे यहाँ पर उतना दूर? देखिए पर्यटन कहते हैं ना कि अगर जो चीज आपको आसानी से मिलता है उसकी कदर नहीं होती, अगर आप भूखी को आते हैं तो यहाँ काफी कष्ट से भरा रास्ता है। मतलब आप कष्ट के बाद अगर किसी चीज को पाते हैं तो उसको पाने का जिसको कहते हैं खुशी, शायद जो कष्ट के बाद मिलता है उसको पाने का खुशी वही समझ सकता है जिसने कभी कष्ट के बाद अपने लक्ष्य को पाया हो। अगर मान के चलिए कोई जंगल में भटक जाए तो उसे कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पानी है, क्योंकि जंगल में काफी खोजने के बाद हम लोग को पानी मिला है, तो क्या हरियाली होगा? हाँ, पानी मिलने का चांस भी ज्यादा होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ के आसपास के पेड़ पौधे काफी हरे भरे हैं। अच्छा अच्छा, जबकि इसके अगल बगल के सारे पौधे सूख चुके हैं, सारे पत्ते झड़ चुके हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ देखिए कि जो हम जहाँ पानी पिए हाँ आस पास के किनारे पे हाँ मतलब अभी भी पेड़ का पत्ता बहुत ही हरियाली। वाह वाह, क्या जवाब, आपका जवाब से खुश हुए। अच्छा, पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे जलस्तर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो पहाड़ ऊपर में दिख रहा है इसके ऊपर भी कुछ लोग हैं रहते हैं? जी जी, इसके ऊपर भी गांव बसा हुआ है। अच्छा अच्छा, कई सारे गांव हैं, बहुत सारे लोग हैं और इस पे जाने का भी रास्ता है, इधर से नहीं है बल्कि दूसरे रास्ते से है। आप गए हैं कभी ऊपर? हाँ, इसका ऊपर गए हैं। अच्छा, इसका लगभग कितना ये ऊंचाई होगा? लगभग 1000 फीट से ज्यादा होगा। चलने का जा सकते हैं, एक बार हम लोग झरने तो अब हम लोग पानी पी लिए, अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं और सर जी कुछ फोटो शूट कर ले रहे हैं। चलिए 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 चलिए।